Hello friends, I am Dr. Vikas Deshmukh. I am a psychiatrist and sexologist practicing in Navi Mumbai Vashi, Sector 17. Friends, आज हम लोग बात करने वाले हैं dementia, इसको हिंदी में बोलते हैं स्मृति भ्रंश, ये बीमारी के बारे में. ये अक्सर ओल्ड एज लोगों में पाया जाता है, 60 या 65 के अबव, ठीक है. और ये dementia बीमारी क्या है? dementia एक भूलने की बीमारी है जिसमें आदमी की मेमोरी अफेक्ट होती है और मेमोरी की वजह से उसका पूरा लाइफस्टाइल इंपैक्ट होता है. तो डिमेंशिया के प्रमुख बहुत सारे प्रकार हैं, टाइप्स हैं, लेकिन उसमें से दो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो कॉमन है, अल्जाइमर्स डिमेंशिया और दूसरा है वैस्कुलर डिमेंशिया. और ये दोनों को मिला के कभी कभी मिक्स डिमेंशिया भी पाया जाता है. डिमेंशिया के कुछ कारणों में से कुछ रिवर्सिबल डिमेंशियाज रहते हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, डिप्रेशन, कभी कभी विटामिन बी12 डिफिशियंसी. तो ये सारे रिवर्सिबल डिमेंशिया का के बारे में मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि वो उनका उनको एक बार पता चलने के बाद उनके रिजल्ट बहुत अच्छे से मिल पाते हैं. सो डिमेंशिया में एग्जैक्टली क्या होता है? जनरली आपके पेशेंट्स में जनरली डिमेंशिया स्टार्ट जनरली 50 या 65 ईयर्स के बाद होता है. जैसे जैसे एज बढ़ता है डिमेंशिया का प्रमाण जनरल पॉपुलेशन में बढ़ते जाता है. जैसे 65 के बाद वो 10% तक भी जा सकता है और 85 के बाद वो 30-50% पेशेंट्स में भी डिमेंशिया पाया जाता है. डिमेंशिया का मुख्य कंप्लेंट रहती है कि पेशेंट्स भूलता है बार बार, कभी कभी क्लोज रिलेटिव्स के नाम भूलना, शुरुआत होती है नाम भूलने से, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है वो भूलने से, ठीक है. तो देखो फ्रेंड्स, कभी कभी अपन भी बहुत सारी चीज़ें भूलती है कि मैंने कहाँ रखा है, बट अपन भूलने का रीज़न ये रहता है कि अपना अटेंशन नहीं रहता है वो टाइम पे. मैंने कीज़ यहाँ रख दिए, बराबर, तो मैं क्या करूँगा, कीज़ मैक्सिमम की चेन की जगह की रखने की जगह पे टेबल पे रख दूँगा. बट डिमेंशिया का पेशेंट कीज़ कहाँ रख सकता है? कभी कभी फ्रिज में, कभी कभी माइक्रोवेवन में, तो ये की रखने की जगह नहीं है. जैसे क्लोज रिलेटिव्स के नाम भूल जाते हैं, धीरे धीरे वो क्लोज रिलेटिव्स के फेसेस भूल जाते हैं, धीरे धीरे उनका उनके साथ रिलेशन ही भूल जाते हैं. जैसे वाइफ को कभी कभी वो बहन बोल सकता है, बेटे को कभी कभी वो पति बोल सकती है. तो इस तरीके के चेंजेस धीरे धीरे डिमेंशिया में आते हैं. दूसरी चीज़, भूलने के बाद अपने घर का एड्रेस भी भूल जाते हैं. उसी एरिया में सालों से रह रहे हैं, हमेशा उधर आते हैं, लेकिन घर का पता भूल जाएंगे, गली में कहीं कहीं घूम जाएंगे आते आते. वहाँ पे ही कभी कभी एक एक घंटा दो दो घंटा पेशेंट घर के अराउंड ही घूमते रहता है. तो ये दूसरी चीज़. तीसरी चीज़, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है वो भूल जाते हैं. पेन से मतलब नाम भूलना चीज़ों के, जैसे कि ये पेन है, ये समझ में आता है कि पेन लिखने के लिए, लेकिन बता नहीं पाएंगे कि पेन है. दूसरा एक प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी कंपनी के जैसा नहीं, सिंपल चीज़. जैसे आप चाय बना रहे हो, तो चाय बनाने में भी काफ़ी प्लानिंग रहता है कि पहला पतीली लो, गैस पे रखो, उसमें पानी डालो, फिर पत्ती डालो, फिर गैस ऑन करो, फिर शक्कर डालो, फिर दूध डालो, उसको उबलने दो. तो ये चीज़ जो अपने को बहुत सिंपल लगती है, ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है. अगर पेशेंट डिमेंशिया होता है तो इसमें कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी बात में करनी है, इसमें काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन निर्माण हो सकता है और पेशेंट ये ठीक से कर नहीं पाता है. तीसरी चीज़ और डिमेंशिया के पेशेंट्स में पाई जाती है कि अपने ही खुद के घर में बाथरूम का डायरेक्शन भूल जाना, बाथरूम की जगह कभी कभी किचन चले जाते हैं, ठीक है. देन सिंपल चीज़ें लाइक फ़ोन यूज़ करना, बाल कॉम करना, खुद को ड्रेस करना, अनड्रेस करना, ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे भूलने लगते हैं, उनको डिफ़िकल्ट लगने लगती है. तो एक इसका बेसिक कारण क्या है, कि बेसिक कारण इसका ऐसे पाया जाता है, जैसे मैंने एक बोला रिवर्सिबल डिमेंशियाज, जिसमें थायराइड, विटामिन बी12 की कमी और कुछ जो अल्जाइमर्स डिमेंशिया है, उसका बेसिक कारण है कि एक कुछ प्रोटीन बनते रहते हैं जो साफ होने चाहिए बार बार अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से, या अपने ब्रेन के जो सिनेप्सिस रहते हैं जहाँ पे दो नर्व्स एक दूसरे को मिलते हैं, वहाँ पे वो प्रोटीन जमा होते रहता है. तो जनरली वो लाइफ लॉन्ग जमा होता है, बट वो प्रोटीन साफ फटाफट होता है. बट डिमेंशिया के पेशेंट में ये प्रोटीन साफ होने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, और वहाँ पे प्रोटीन का कलेक्शंस होते जाता है, जिसको बोलते हैं टॉप प्रोटीन. और ये प्रोटीन के बाद फिर उसको न्यूरोफिबुलरी टैंगल्स ऐसा बोलते हैं, तो वो वहाँ पे जमा होके वो सिनेप्स
सिनेप्स में खराबी लाता है और उसकी मेमोरी मेमोरी नहीं बन नहीं पाती है। फिर डिमेंशिया में आप दूसरी चीज़ ये चीज़ दूसरी फिर जो वेस्कुलर डिमेंशिया है उसमें ब्लड फ्लो कम होना, ठीक है, जहाँ पेशेंट का इसका ब्लड फ्लो ही कम होता है तो उसकी वजह से वो मेमोरी लॉस होता है। तो डिमेंशिया पेशेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले आप डॉक्टर के पास लेके जाइए, साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट के पास। कोई रिवर्सिबल कॉज है तो उसका ट्रीटमेंट करने के बाद इमीडिएट डिमेंशिया में आपको फ़र्क आ सकता है। अल्जाइमर डिमेंशिया में थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स है कि पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते हो आप, बट हाँ जो मेमोरी लॉस होने का स्पीड है वो आप डेफिनेटली कम कर सकते हो। जैसे अगर आप मेडिसिन चालू करोगे तो जो साल भर में मेमोरी लॉस होना है उस वो होने के लिए 3 से 4 साल 5 साल तक जा सकते हैं, यानी आप पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा पाते हो। सेकंड थिंग आप कर सकते हो कि पेशेंट्स को सिंपल लैंग्वेज में बात करो। सिंपल लैंग्वेज मतलब कीप सिंपल सेंटेंसेस, वन सेंटेंस, आप खाना खाने के लिए आ जाइए। कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस में बात मत कीजिए, जैसे हाँ अब आप हाथ धोइए फिर यहाँ से वहाँ से टॉवल उठा के लेके आइए और फिर यहाँ पे आके खाना खाइए। ये कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट सेंटेंसेस पेशेंट समझ नहीं पाएंगे। कीप इट सिंपल, कीप इट वन वर्ड और वन लाइन लाइनर्स ओनली। आपका घर का फर्नीचर बार बार चेंज मत कीजिए, जगह उनकी चेंज मत कीजिए क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उनको सुबह उठे बराबर आज दिन क्या है, तारीख क्या है, उनके साथ बातें कीजिए। अक्सर पेशेंट बाहर जब जाते हैं तो अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, तो एक कार्ड ऐसा बनाइए जिसके ऊपर उनका नाम हो, उनका एड्रेस हो, केयर गिवर मतलब आपका मोबाइल नंबर उनके पास हो। और छोटी छोटी उनको चीज़ें जैसे अगर कुछ भी जो उनके ब्रेन को स्टिमुलेशन दे वो आप करने को बता सकते हैं। जैसे अगर वो प्लेइंग कार्ड खेलने में इंटरेस्ट करते हैं और अभी भी प्लेइंग कार्ड खेल पाते हैं तो उनके साथ बैठ के प्लेइंग कार्ड खेलिए, ठीक है। चेस खेल पाते हैं तो चेस खेलिए। सोडोकू अगर उनमें वो उनको मज़ा आता है, क्योंकि ये कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस डिमेंशिया को डिले करने में हेल्प करती है। लास्ट चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने इसमें आपके घर में अगर फैमिली हिस्ट्री डिमेंशिया है तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डिमेंशिया प्रिवेंट करने के लिए आप जनरली गुड एक्सरसाइज, डाइट इम्पॉर्टेंट है ही, हेल्दी डाइट, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तीसरी चीज़ है कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस, जैसे ऐसे गेम्स में ज़्यादा लीजिए जहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा हो, जैसे चेस है, जैसे प्लेइंग कार्ड्स है। कोई भी नई नई चीज़ सीखते जाइए हमेशा, जैसे नया बुक पढ़ना, नया कुछ स्किल एक्वायर करना, ठीक है, नया गेम कुछ सीखना, नई लैंग्वेज सीखना, क्योंकि जितना आप चीज़ें नया सीखते जाते हैं उतने आपके सिनेप्टिक फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं वो स्ट्रांग होते जाते हैं और फिर आपको डिमेंशिया प्रिवेंट करना उतना ही इजी हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। फॉर अपॉइंटमेंट्स प्लीज़ विजिट lybrate.com। थैंक यू वेरी मच।